क्वेश्चन है, इन द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क टाउ इक्वल टू ए इंटू अल्फा प्लस बी इंटू आई बाय ओमेगा, एल रिप्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, द डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी इज, ए क्रॉस बी की डायमेंशन बतानी है हमें क्या होगी। तो इस केस में अगर हम सॉल्यूशन देखें इसका, ये हमें टाउ इक्वल टू दे रखा है ए क्रॉस एल प्लस बी क्रॉस आई बाय ओमेगा, तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास ए क्रॉस एल, ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी टाउ बाय में एल, टाउ यहाँ पे टॉर्क है तो टाउ को क्या लिख सकते हैं आई अल्फा, एंड एल हमारे पास क्या है एंगुलर मोमेंटम, इसको हम लिख सकते हैं आई ओमेगा, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी टी इनवर्स, आई से आई की कैंसिल हो जाएगी, अल्फा और ओमेगा हमारे पास बचा हुआ है तो अल्फा और ओमेगा टी इनवर्स आ जाएगी। ऐसे ही हम बी की निकालेंगे तो बी इंटू आई ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा टाउ, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास टाउ ओमेगा डिवाइड बाय में आई, टाउ ओमेगा डिवाइड बाय में आई, टाउ को हम क्या लिख सकते हैं आई अल्फा, ओमेगा डिवाइड बाय में आई, इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी टी की पावर माइनस थ्री, टी की पावर माइनस थ्री, तो दोनों की ए क्रॉस बी की डायमेंशन हम निकालेंगे तो ए क्रॉस बी टी इनवर्स इंटू में टी की पावर माइनस थ्री, तो यानी कि टी की पावर माइनस फोर, यानी कि एम जीरो एल जीरो टी की पावर माइनस फोर, ये क्या हो जाए हमारे पास डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी। दिस इज द क्वेश्चन।